लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में वोटिंग जारी। मध्य प्रदेश में 9 बजे तक 14.97% मतदान हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 11.67% मतदान हुआ। इसके अलावा बात अगर झारखंड की जाए, झारखंड में भी सुबह 9 बजे तक 11.78% मतदान हुआ। बिहार में 10% मतदान हुआ तो इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी सुबह 9 बजे तक 9% मतदान हुआ। तेलंगाना में 9 बजे तक 9.51% मतदान हुआ। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी 9 बजे तक 6.45% मतदान हुआ। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां देश भर में आज लोकसभा के चौथे चरण का चुनाव जारी है। और इस दौरान आपको बता दें कि 10 राज्यों में लोकसभा चुनाव जारी। आंध्र प्रदेश में 25 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में वोटिंग जारी है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग मतदान केंद्रों की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां लोकतंत्र के महापर्व में लोग बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभा रहे हैं और अपने हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर। आज देश का मूड इस देश की प्रगति के लिए है। विगत 10 वर्षों के अंतर्गत जो देश ने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है, भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कारों का, विकास का, विश्वास का। भारत जो विश्व गुरु के स्थान के ऊपर स्थापित था, दुर्भाग्य से पीछे होता चला जा रहा था, उस ओर फिर आगे बढ़ने का एक संकल्प जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया, जो 10 वर्षों के अंतर्गत विकास नजर आया है, जो 10 सालों के अंतर्गत गरीब की चिंता होती हुई नजर आई है, जो 10 सालों तक महिलाओं की सुरक्षा होती नजर आई है, जो 10 साल तक नौजवानों को एक नया विजन होता हुआ देख कर आया, उसके लिए मतदान है। केवल ये 5 वर्ष के लिए मतदान नहीं है, ये भारत के आने में वाले भविष्य के लिए मतदान है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 में हमारा भारत कैसा होगा, जिस समय देश की आज़ादी की हम 100वां साल मना रहे होंगे। आज के नौजवान का उसमें पसीना होगा, उसके विचारों की कलाकृतियाँ होंगी। आज उत्तर प्रदेश की 96 सीटों, देश की 96 सीटों पर। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां आज देश भर में 10 राज्यों में लोकसभा चुनाव जारी है। चौथे चरण में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग की जा रही है और इस दौरान लोग भी बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में वोटिंग जारी है। मतदान को लेकर मतदाताओं में भी उत्साह है और इस दौरान प्रशासन की ओर से भी पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं। 1717 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होना है और कड़ी सुरक्षा के बीच वोट करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि मतदान केंद्रों की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की ओर से खास व्यवस्थाएं की गई हैं, बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए भी सुचारू रूप से वो मतदान कर सके, उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा बात की जाए 10 राज्यों की लोकसभा सीटों पर, तो आपको बता दें कि ओडिशा में 4 सीटों पर, आंध्र प्रदेश में 25, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13 और महाराष्ट्र की 11 सीटों पर मतदान जारी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 8, मध्य प्रदेश की भी 8 सीटों पर मतदान जारी है। ओडिशा में 4, जम्मू कश्मीर की 1, पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान आज हो रहा है और ऐसे में झारखंड की भी 4 और बिहार की 5 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 9 बजे तक के आंकड़ों की बात की जाए तो लगभग 11% मतदान अब तक संपन्न हुआ है।